إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهم زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں الاول فالاول پہلے آنے والے نیکی کے کام میں نماز میں صدقہ میں اور خیرات میں اور خطبہ جمعۃ المبارک میں ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا. آج انشاءاللہ ایک بڑا ہی پیارا عنوان جب آپ میرے بھائی اپنا فون اٹھا کے کسی بھائی کو کال ملاتے ہو تو آگے سے کمپیوٹر بولتا ہے اور آواز آتی ہے کرونا وائرس انتہائی خطرناک ہے،
जानलेवा भी साबित हो सकता है। चंद एहतियाती तदाबीर हैं, अपने हाथ बार बार साबुन के साथ 20 सेकंड तक धोया करें। ये आवाज़ आप सुनते हो तो मैं आपके सामने चंद छोटी छोटी दुआएं जो कुरान में हैं और सुन्नत में हैं और 20 सेकंड में मुकम्मल हो जाती हैं, उनका दौरानिया सिर्फ इतना ही है जितना साबुन के साथ हाथ धोया जाता है। और जब आप इस तदबीर पर और इस एहतियात पर अमल करते हैं तो इसमें बड़ा फायदा है, इसमें इंसान की भलाई है। एहतियाती तदाबीर पे अमल करना ऐन इस्लाम की तालीम के मुताबिक है। तो जब हाथ धोएं 20 सेकंड आप घड़ी ना देखें, घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र जारी और सारी कर दें। मैं चंद अज़कार आप भाइयों के खिदमत में पेश करूंगा जो 20 सेकंड में मुकम्मल हो जाते हैं। इससे कबल ये मकामे आलिशान रब रहमान का पाक कुरान 25वां पारा और सूरत ज़ुख़रुफ़, रब कायनात ने इस सूरत का नाम सूरत ज़ुख़रुफ़ रखा है। ज़ुख़रुफ़ का माना सोना और जीनत। अल्लाह पाक ने इस सूरत में एक मसला बयान फरमाया है कि अगर इस बात का अंदेशा ना होता, खतरा ना होता कि सारी दुनिया काफर हो जाएगी, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं काफरों के जो मकान हैं उनकी छतें मैं सोने की बना देता। काफरों के मकानों की छतें सोने की, कहां लिखा है? 25वें पारे में सूरह ज़ुख़रुफ़ में। और वो सीढ़ियां जो काफरों के घरों के अंदर हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं सीढ़ियां भी सोने की बना देता, छत भी सोने के, सीढ़ियां भी, और वो चारपाइयां और बेड जिन पे वो काफर लोग आराम करते हैं वो भी मैं सोने की बना देता। लेकिन इसमें एक खतरा है, अंदेशा है। अंदेशा क्या है? कि फिर सारी दुनिया ही काफर हो जाएगी, एक मुसलमान भी बाकी नहीं बचेगा। भाई काफरों के मकानों की छतें भी सोने की, सीढ़ियां भी सोने की, और उनके जो बेड हैं वो भी सोने के। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी रहमत ने ये गवारा नहीं किया, अल्लाह की रहमत ने इस बात को कबूल नहीं किया, वरना ये सारे सोने के बन जाते, कायनात में एक भी मुसलमान बाकी ना बचता, सारी दुनिया काफर हो जाती। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ने फरमाया वा मैं याशो अन जिक्र रहमान, जो रहमान के जिक्र से इराज करता है, मुंह मोड़ता है, नुकैज लहू शैताना, हम उसका साथी शैतान बना देते हैं। फिर वो शैतान क्या करता है? इंसान का साथी बनता है और उसका साथ और उसकी रफाकत और उसकी दोस्ती शैतान की, इंसान को आगे चला के जहन्नम का बेटा बना देता है। अजीज भाइयों सुन लो, अगर नमाज फजर का वक्त है, आपका बेटा नमाज के लिए नहीं उठता, सोया हुआ है, तो आप समझें मैं जहन्नम के लिए पहलवान तैयार कर रहा हूं। कभी इनको दूध पिलाता हूं, कभी फ्रूट खिलाता हूं, कभी मटन खिलाता हूं, अपना बेटा है नमाज से गाफल है, ये जहन्नम के लिए पहलवान तैयार कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है मैं शैतान उसका साथी बनाता हूं। फिर शैतान क्या करता है? उसे जहन्नम का बेटा, फरजंदे जहन्नम, फरजंदे नार, फरजंदे दोजख, दोजख का बेटा बना के
उसे जहन्नम का ईंधन बना देता है। अभी बड़ी मोहब्बत से मेरे भाई अरशद साहब ने बड़ी तस्दीक के साथ फरमाया है, बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ धोना शुरू कर दे। अब ये एहतियाती तदबीर है कोरोना वायरस से बचने के लिए, अपने हाथ बार बार 20 सेकंड साबुन से धोए। अब हाथ धोना शुरू कर दें, घड़ी ना देखें, बगैर घड़ी के देखने के अपनी जुबान से दुरूद पाक शुरू कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। 20 सेकंड पूरे हो गए, बेशक आप घड़ी देख लें। अब आप जब हाथ धोएं साबुन के साथ तो हाथ धोते रहें, दुरूद पाक शुरू कर दें। जब दुरूद शरीफ मुकम्मल हो जाए समझो 20 सेकंड पूरे हो गए। सुभान अल्लाह, अब अल्लाह का जिक्र भी हो गया। एक सहाबी रसूल आता है, अल्लाह के नबी से सवाल करता है, या नबी अल्लाह कम अजालो लका मिन सलाते, जब मैं दुआ मांगता हूं अपनी दुआ में कितना दुरूद पाक पढ़ता रहूं, तिहाई हिस्सा, तीसरा हिस्सा। फरमाया ठीक है, अगर इससे ज्यादा करो तो बेहतर है। कहा फिर आधा कर लेता हूं, दो तिहाई कर लेता हूं। फरमाया इससे भी ज्यादा करो तो बेहतर है। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी मैंने जितना वक्त दुआ पे लगाना है मैं सारा दुरूदे पाक ही पढ़ता रहूंगा। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, ए मेरे सहाबा सुन लीजिए, जो ज्यादा दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर दो इनाम करता है। एक इनाम कि रब उसका हर रंज हर गम दूर फरमा देता है, और दूसरा इनाम यह है अल्लाह उसके सारे गुनाहों पर माफियों का कलम फेर देता है। 20 सेकंड में दुरूद पाक मुकम्मल हो जाएगा। भाई ये सौदा फायदे वाला है कि नहीं? माशाल्लाह, अब जरा इससे आगे चलिए। एक छोटी सी दुआ है अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बताई है, दुआ सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैयुन फिल अर्ज़ वला फिस समा वहुवस समीउल अलीम। जब कंप्यूटर बोलता है अपने हाथों को 20 सेकंड साबुन से धो लिया करे। हां धो लिया करे, हम खुद भी धो लेते हैं, आपको भी दावत देते हैं, जब हाथ धोना शुरू करें तो ये दुआ शुरू कर दें। कौन सी दुआ? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समा वहुवस समीउल अलीम। जब 3 मरतबा ये दुआ पढ़ेंगे ना तो 20 सेकंड पूरे हो जाएंगे। घड़ी आपके सामने है, 3 मरतबा दुआ पढ़ लें। कौन सी दुआ? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समा वहुवस समीउल अलीम। अल्लाह के पाक पैगंबर का प्यारा फरमान है, जो बंदा सुबह ये दुआ 3 मरतबा पढ़ता है कायनात में जमीन में आसमान में उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना आसमानों में और ना जमीनों के अंदर। वो बंदा, वो रावी जो इस हदीस को बयान करने वाला था, हदीस बयान कर रहा है लेकिन उस आदमी को फालज है, फालज है, फालज की बीमारी में है। लोगों ने हैरानगी से देखा, हमें कहता है ये दुआ पढ़ो कोई चीज नुकसान नहीं करेगी, और इसे फालज हुआ है। कहने लगा सुन लो, एक दिन मैं ये दुआ भूल गया था, अल्लाह की तकदीर गालब आ गई, मुझ पे फालज का हमला हुआ। जो बंदा याद करके ये दुआ पढ़ता है आसमान के रब की कसम है कभी उसे फालज नहीं हो सकता। अब हाथ धोना शुरू कर दे, हाथ धोना शुरू कर दे और साथ ये दुआ पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, ना घड़ी देखे ना टाइम देखे। जब दुआ 3 मरतबा पूरी हो जाए हदीस पे अमल हो जाएगा और साबुन के साथ 20 सेकंड हाथ भी मुकम्मल धोए जाएंगे। अल्लाह अकबर। आज का हमारा ईमान क्या है?
छोटी छोटी दुआएं जो अल्लाह ने अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें बताई है, जिनमें वक्त कितना लगता है, 20 सेकंड का वक्त लगता है, इंसान साबुन के साथ हाथ धोता है, ये एहतियाती तदबीर है, अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र जारी और सारी रखे। हजराते गिरामी, कभी ऐसा होता है, इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाह, एक बंदा अपनी जुबान से एक कलमा कहता है, एक बात कहता है, एक जुमला कहता है, वो बात इतनी खूबसूरत होती है, अल्लाहु अकबर, कई बंदों की जुबानें हमेशा उनकी जुबान से फूल निकलते हैं, बड़े प्यारे जुमले। फरमाया एक रब का बंदा है, एक जुमला बोलता है अपनी जुबान से, वो कलमा, वो जुमला, वो बात अल्लाह को इतनी पसंद आती है, रब्बे कायनात उसके सारे गुनाह माफ करके अपनी जन्नत का वारिस बना देता है। वाइनल अब्दल यतकल्लमु बिल कलिमति मिन सखतिल्लाह, कभी ऐसा होता है एक बंदा अपनी जुबान से गंद बोलता है, गंदी बात करता है, अल्लाह हमें ऐसी जुबान से महफूज फरमा ले। एक दुआ सुन लीजिए, वो भी 20 सेकंड के अंदर इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाहुम्म तहिर कल्बी मिन अन्निफाक व अमली मिन अर्रिया व लिसानी मिन अल्कज़ब व ऐनी मिन अल्खियाना فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، یا اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میرے عمل کو دکھلاوے سے پاک کر دے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے اللہ تو آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو دل میں چھپا ہوا ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ भी पढ़ लिया करो, अल्लाह हमारी जुबान को झूठ से पाक कर दे। कई बंदे ऐसे भी होते हैं अपनी जुबान से जुमला बोलते हैं, इतना गंदा, इतना गंदा और गंद 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 बोलता है, अल्लाह को इस कदर नापसंद आता है, रब्बे कायनात उसकी सारी उम्र की नेकियां बर्बाद करके उसे जहन्नम का ईंधन बना देते हैं। एक जुमला बोला है, गंदा गंद गंद बोला है जुबान से, अपनी जुबान से हमेशा अल्लाह का जिक्र जारी और सारी रहे। आओ जरा मोहब्बत से अपने चेहरे मुबारक मेरी तरफ कीजिए, और अगर आपका जी चाहे, मैं हर जुमे आपसे कहता हूं, अपने चेहरे मेरी तरफ कीजिए। आज मेरा एक और सवाल है, अगर आप चाहें घड़ी को देख लें, 20 सेकंड की दुआएं, आपकी मर्जी है, आपकी तमन्ना है, जिस तरह आप चाहें। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले नमाज फजर की अदायगी के लिए, आप मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, घर में देखा उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुसल्ला के ऊपर तशरीफ फरमा है, उम्मुल मोमिनीन है, अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए नमाज फजर के लिए। आप नमाज फजर पढ़ते, वहीं पे तशरीफ रखते, और उसके बाद इशराक की नमाज पढ़ी, दिन काफी सूरज बुलंद हो गया, फिर वापस अपने घर में तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन रसी अल्लाह तआला अन्हा उसी मकाम पे तशरीफ फरमा है, सवाल किया, माजिल से अला तिलकल हाल, आप सुबह से इसी हालत में हैं? अर्ज की, हां अल्लाह के नबी जी, मैं नमाज फजर से अब तक किसी हालत में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रही हूं। आपने एक दुआ बतलाई जो 20 सेकंड में मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह, 20 सेकंड में हाथ धोने, दुआ भी पढ़नी है, अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया ए उम्मुल मोमिनीन, ए मोमिनों की मां, ये दुआ 3 मर्तबा पढ़ लो, 3 मर्तबा, और सुबह से लेकर नमाज फजर से लेकर नमाज इशराक तक, नमाज जुहा तक, दिन के बुलंद होने तक जितना तुमने अल्लाह का जिक्र किया है, अगर ये दुआ 3 मर्तबा पढ़ो तो उस सारे जिक्र से ज्यादा तुम्हें सवाब मिल जाएगा। अब आप चाहें तो घड़ी देख लें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही
سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لو. فرمایا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اے ام المومنین فجر سے لے کر دن چڑھنے تک جتنا تم نے اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کی یاد کی ہے یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لو تمہیں سارے ذکر سے زیادہ اجر و ثواب مل جائے گا. 20 سیکنڈ کم و بیش. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رات سوتے اور ہر نماز کے بعد ذرا دیکھیے وشا گڑی دیکھ لو ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے معوذات ہیں تینوں کل شریف ہیں. اب میں کل شریف پڑھتا ہوں آپ ٹائم دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 10 سیکنڈ میں 10 سیکنڈ میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص مکمل ہوتی ہے اور تین مرتبہ پڑھی جائے رات کو سوتے ہوئے اپنے سارے جسم پہ کم کیا جائے وہ انسان اپنے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. ایک دعا چند خطبات جمعہ میں نے آپ سے عرض کی تھی اللہم انی اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا والجات ظہری الیکا وفوضت امری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجا ولا منجا منکا الا الیکا آمنت بکتابک اللذی انزلتا وبنبیک اللذی ارسلتا. چھوٹی سی دعا ہے. ہاتھ دھونا شروع کر دیں صابن کے ساتھ اور دعائیں پڑھتے جائیں 20 سیکنڈ میں یہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ مکمل ہو جائے گا. یاد رکھو اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ فرشتہ ہوگا. جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے فرشتہ جھنڈا لے کے آتا ہے شیطان جھنڈا لے کے آتا ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے فرشتے کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا ہے اور جو اپنی زبان سے گند نکالتا ہے وہ شیطان کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم واسکاھا عند ملیککم وارفعھا فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم. اب دایاں ہاتھ کھولو ذرا میں 5 باتیں عرض کرتا ہوں. فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو ساری نیکیوں سے زیادہ خیر والا ہے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے درجات میں زیادہ بلندی ہے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے. یہ 5 باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں. فرمایا اللہ کے نبی کون سا عمل ہے جو اللہ کو بڑا پیارا ہے درجہ بڑا بلند ہوتا ہے رب کو بڑا محبوب ہے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے. فرمایا سن لو الا وہو ذکر اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے. اپنی زبان پہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تیری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری و ساری رہے. چھوٹے چھوٹے اذکار. ایک دعا ہے جس کا نام ہے سید الاستغفار. سید الاستغفار صبح ایک مرتبہ پڑھو دن کے وقت موت آ جائے اسلام پہ موت آئی ہے. رات کو پڑھ کے سو جاؤ اگر رات کو موت آ جائے اسلام پہ موت آئی ہے. ٹائم کتنا لگے گا 20 سیکنڈ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی اہلک وبعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سید الاستغفار ہے. ٹائم کتنا ہے جتنا موبائل پہ آپ سنتے ہو اتنے سیکنڈ صابن کے ساتھ اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرو اور اتنے سیکنڈ لگا کے سید الاستغفار پڑھ لیا کرو اور دعا کیجئے اللہ اس کہنے والے ناکارے گناہگار اور آپ واجب الاحترام بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے.
सुबह से लेकर अब तक आप भाइयों के लिए दुआ की है। दुआ क्या की है सुन लीजिए मोहब्बत के साथ। आज सारा दिन दुआ में लगा दिया है, खुतबा जुमा के लिए तैयारी नहीं की। दुआ क्या की है, या अल्लाह इतनी गर्मी, शिद्दत की गर्मी, सूरज पूरे गुस्से में है, पूरे गुस्से में है, आग बरसा रहा है, जो इस धूप में घर से निकलकर तेरे घर में आए या अल्लाह उसे जहन्नम की गर्मी से आजाद फरमा दे। सुबह से अब तक दुआ की है, या अल्लाह जब सूरज पूरे गुस्से में है और गजबनाक गर्मी बरसाता है, ये अल्लाह के बंदे इन्हें कौन सी चीज है जो रब के घर में लेकर आती है, तेरी मोहब्बत है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका वा हुब्बा मन युहिब्बुका वा हुब्बा अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिका। अल्लाह वालो मेरा भी आपसे सवाल है और दर्दमंदाना इल्तिजा है, कभी मोहब्बत से आप भी दुआ कर दिया करो, या अल्लाह इस फकीर को जन्नत का वारिस बना दे, जहन्नम से आजाद कर दे। अगर आप नहीं करेंगे तो खयानत होगी, ठीक है ना, इंशाल्लाह। हाँ मैं हम सुबह से कर रहा हूं, या अल्लाह इस कदर धूप में जो तेरे घर में आए, कुल नारो जहन्नमा अशद हर्रा, जहन्नम की आग तो बड़ी गर्म है, या अल्लाह इन सब फकीरों को जहन्नम की आग से आजाद फरमा दे। छोटे छोटे अज़कार, छोटी छोटी दुआएं। अब देखो जरा लिबास पहना है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौबा व रज़क़नी मिन ग़ैरि हौलि मिन्नी बला कुवा। लिबास अभी पहना नहीं है, ये 10 सेकंड में दुआ पड़ी जाएगी। खाने की दुआ, दूध पीने की दुआ, घर में जाने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, और जब बड़ी मुसीबत पड़ जाए तो कुरान पाक में अल्लाह ने एक छोटी सी दुआ बताई है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू व यक्शिफु सूआ व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़ इलाहुम मा अल्लाह क़लीलम मा तज़क्करून। 20 सेकंड नहीं लगेंगे, ये आयत मुकम्मल हो जाएगी। जब सारे आसरे, सारे सहारे, सारे नाते कट जाएं, ये दुआ पढ़ लो, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू व यक्शिफु सूआ व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़ इलाहुम मा अल्लाह क़लीलम मा तज़क्करून। एक छोटी सी दुआ बीमार आदमियों के लिए और तंदुरुस्तों के लिए, जिसमें 20 सेकंड भी नहीं लगते। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। 20 सेकंड नहीं लगे, या अल्लाह मेरे जिस्म में आफियत दे दे, मेरी आंखों में आफियत दे दे, या अल्लाह मेरे कानों में आफियत दे दे। तो अजीज भाइयों, आप मोहब्बत के साथ इस एहतियाती तदबीर पर अमल भी करें, बार बार अपने हाथों को साबुन के साथ 20 सेकंड धोएं, और धोने के दौरान दुरूद पाक पढ़ें। टाइम नहीं देखो, एक मर्तबा पढ़ोगे ये वक्त पूरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस्समाई वहुवस्समीउल अलीम। 3 मर्तबा पढ़ोगे ना, 20 सेकंड हो जाएंगे, हदीस पर अमल भी हो जाएगा, एहतियाती तदबीर पर भी अमल हो जाएगा। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए, दीन पे जिंदा रखे, दीन पे मारे। वा आखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصلى عليه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان। और नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करें,
और गुनाह और ज्यादती के काम में एक दूसरे की मदद ना करें। जहां नेकी और तकवे का काम होता है उसे तआवन करना हर एक का फरीजा है, और जहां गुनाह और ज्यादती का काम हो उससे तआवन करना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे मना फरमाया है। आपकी खिदमत से ख्याली के इलाके से दो साथी तशरीफ लाए हैं, हमारे बड़े ही फाजल शागिर्द मौलाना मोहम्मद उमर रबानी साहब हाफिज़हुल्लाह, बड़े मशहूर खतीब हैं, मस्जिद में खुतबा जुमा देते, जगह थोड़ी हो गई, लोग ज्यादा आने लगे, मस्जिद की तोसी के लिए साथ मकान खरीदा है, उसकी अदायगी है, तो भाई इस कार्य खैर में दुआ भी फरमाएं, अल्लाह उनकी खास और खास मदद फरमाए और साथियों के साथ तावन भी कर दें। जब ऐलान होता है तो थोड़ा हिस्सा डालने या ज्यादा फिर फर्ज हो जाता है। तावन अलल बिर व तकवा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। और एक हमारे बड़े ही प्यारे शागिर्द हैं, थोड़ा हिस्सा डालने या ज्यादा भाग के दौड़ के सबसे पहले अपना हिस्सा डाल देते हैं। अल अव्वल फल अव्वल, जो पहला होता है बाद वाले सबके बराबर उसको सवाब मिल जाता है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और दीन पे जिंदा रखे और दीन पे मारे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।